नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नित्या स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का रिवीजन टेस्ट का 2021 के लिए पेपर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के वीडियो में हम आपको हिंदी का पूरा सोल्यूशन बताते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है हमारा क्वेश्चन, सूर सागर का सबसे चर्चित प्रसंग है। इसमें चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा भ्रमर गीत, सेकंड ऑप्शन है भ्रमर सार, तीसरा ऑप्शन है हमारा भ्रमर राग, चौथा ऑप्शन है भ्रमर गीता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रमर गीत। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, परंपरा बनाम आधुनिकता पाठ के लेखक हैं। तो परंपरा बनाम आधुनिकता पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, नर्मदा का उद्गम स्थल है। नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, देवकी पुत्र में समास है। तो देवकी पुत्र में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव है हमारा विस्मय। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है हमारा, चतुर चितेरे कूर पंक्ति कवि द्वारा लिखित है। तो ये कौन से कवि द्वारा लिखित है? ये है हमारे बिहारी, चतुर चितेरे कूर पंक्ति कवि बिहारी द्वारा लिखित है। सेकेंड है क्वेश्चन हमारा, आधुनिकता का विरोध करती है। आधुनिकता का विरोध संप्रदाय करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सुश्रुत संहिता में षड्यंत्रों की संख्या बताई गई है। तो सुश्रुत संहिता में षड्यंत्रों की संख्या 101 बताई गई है। नेक्स्ट है हमारा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ऑप्शन है 2, 8 या 3। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो तो वह क्या कहलाता है? तो जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो तो वह कहलाता है उद्दीपन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला है, साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए? तो साधु से जाति नहीं पूछनी चाहिए। सेकेंड है हमारा, पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जो सबको पता होगा, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक कौन है? तो शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक है सुश्रुत। नेक्स्ट है हमारा, उपासना करने वाला क्या कहलाता है? तो उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहला है हमारा विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो विनय पत्रिका है तुलसीदास की रचना। पहला का हो जाएगा सेकंड। सेकंड है हमारा, गेहूं और गुलाब। तो गेहूं और गुलाब है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना। तीसरा है हमारा, लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा। तो ये क्या है? ये है हमारा यात्रा वृत्तांत। चौथा करुण रस। तो करुण रस क्या है? करुण रस है अलंकार। नेक्स्ट है हमारा वक्रोक्ति। वक्रोक्ति क्या है? वक्रोक्ति है शोक। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेयकर क्यों माना है? अथवा बालक राम के कौन सी क्रियाओं से माताएं प्रसन्न होती हैं? तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, पीताम्बरधारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है? इन दोनों में से आपको कोई एक तैयार करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी दो दो रचनाओं के नाम लिखिए। अथवा मैं आपको दिया है, भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, समय समय बवे तांत वाक्य कृष्ण ने किससे कहा है? अथवा भाषा की प्राप्ति किस प्रकार होती है? नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, गद्य की प्रमुख विधाएं कौन सी हैं? अथवा उपन्यास और कहानी में कोई दो अंतर लिखिए। ये दो क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देख लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, माई की वज्ञा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अथवा सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त परिचय लिखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। पहला है हमारा, मोहन राजगढ़ में रहता है। इसको निषेधवाचक वाक्य में आपको परिवर्तित करना। सेकेंड है हमारा, मीरा सुंदर। इसको आपको विस्मयादि सूचक वाक्य में परिवर्तित करना है। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप अथवा में दिया हुआ कर सकते हैं। द्वंद्व समास की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, वक्रोक्ति अलंकार की उदाहरण से परिभाषा लिखिए अथवा रस की परिभाषा एवं उसके प्रकार लिखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, नर्मदा और सोन से संबंधित लोककथा लिखिए अथवा भारतीय चिकित्सा विज्ञान को सदियों किसे कहा जाता और क्यों लिखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। पहला है हमारा भरसक, दूसरा है बाल लीला, तीसरा है चिंता मुक्त। अथवा में निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहला है हमारा मन के भाव, दूसरा है निरंतर चलने वाला, तीसरा है महिमा से परिपूर्ण। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, रस के अंगों का वर्णन कीजिए अथवा में अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, महाकवि सूरदास अथवा गोस्वामी तुलसीदास की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला पॉइंट है हमारा, दो रचनाएं लिखनी है आपको, भाव पक्ष लिखना है, कला पक्ष लिखना है और इनका साहित्य में स्थान लिखना है। ये चार पॉइंट आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा रामवृक्ष बेनी पुरी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला पॉइंट, दो रचनाएं लिखनी है, भाषा लिखनी, शैली लिखनी और साहित्य में स्थान लिखना। ये चार पॉइंट आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित लिखिए। पहला है हमारा, लिखन बैठी जाकी सभी गई गई गर्व गुरूर, भय ना केते जगत की चतुर चितेरे कूर। अथवा में दिया है, वर दंत की पंक्ति कुंदकुली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमूलन की। इन दोनों में से आपको कोई एक तैयार करना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित लिखिए। पहला है हमारा, इतिहास साक्षी है, बहुत बार अकेले चने ने यही भाड़ फोड़ा है। यहाँ से लेकर आपको लिखना है कि वह बेचारा आखिर कहाँ था कहाँ। ये पहला है आप, ये पहला है। दूसरा है हमारा, गोदोहन से लेकर रात यज्ञ में पुरोहितों के चरण धोने तक तथा स्वरूप दर्शन होता। ये दोनों आपको तैयार करने हैं, दोनों में से कोई एक आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित अपठित वाक्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है, उसे पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से लेकर आपको धन है मनुष्य का जीवन, यहाँ तक आपको पूरा पढ़ना है। और इसको वाक्यांश को पढ़ने के बाद आपको ये जो नीचे तीन प्रश्न दिए गए हैं इनको आपका उत्तर देना है। पहला हमारा है प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तीसरा है, मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है। ये तीन क्वेश्चन आपको, इस गद्यांश को जब आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको इस तीनों क्वेश्चन के आंसर पता चल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, अपने विद्यालय के प्रचार को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में कोरोना संक्रमण का सामना कर रहे अपने मित्र को शीघ्र स्वस्थ लाभ होने की संभावना देते हुए पत्र लिखिए। इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला है हमारा, ऑनलाइन कक्षा वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। तीसरा है, COVID-19 का मानव जीवन पर प्रभाव। चौथा है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय की स्वरूप रूपरेखा लिखिए। भारतीय किसान, पुस्तकालय का महत्व और मेरा प्रिय खेल। ये इतने सारे विषय दिए गए हैं, अगर आप इन सब विषयों में से कोई एक विषय पर निबंध तैयार कर लें। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।